पूरे इंडिया में हमने सबसे ज्यादा एआर यानी कि एगमन रियलिटी पर वीडियोस बनाए। अगर आप मुझे 2-3 सालों से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एगमन रियलिटी को लेकर कई सारी चीजें बताई और कई सारी नई नई ऐप के बारे में भी बताया है। अब जितनी भी एआर ऐप थी वो सारी हमने मतलब पूरी कर दी, मतलब सारी ऐप को हम खा गए, सारी ऐप के बारे में बता दिया। अब कोई ऐसी नई एआर ऐप आ ही नहीं रही है कि जिसके बारे में बताया जाए, बट फिर भी हमारी तलाश जो है वो जारी रहती है। और ऐसे ही तलाश जारी करने के दरमियान एक ऐप ऐसी हमारे हत्थे चढ़ गई। तो आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त एआर ऐप के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको एक मॉडल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, भाई ढेर सारे 3D AR मॉडल देखने को मिलेंगे और इतनी कमाल की रियल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी, ऐसा लगेगा कि भाई जो भी चीज है ना वो आपके बिल्कुल सामने है। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं यहां पर कार कलेक्शन की, तो यहां पर आपको एक से बढ़कर एक जो है वो कार देखने को मिलेगी और इन सभी कार को आप अपने घर के आंगन में, घर के अंदर जहां रखना चाहे वहां पर रख सकते हैं और इसकी फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, साथ साथ में वीडियो भी शूट कर सकते हैं या फिर GIF यानी कि GIF फाइल भी जो है वो बना सकते हैं। एक मिनट यहां पर रुक जाइए क्योंकि इस ऐप के अंदर एक प्रॉब्लम है और वो जो प्रॉब्लम है ना उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐप आपके डिवाइस में काम ही नहीं करेगी। तो वो प्रॉब्लम है ना मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए यहां पर मैं आपका टाइम पास नहीं करता और फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा इरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको कुछ कैटेगरी मिल जाएगी जैसे कि माय मॉडल्स, इसमें तो आपको जाना नहीं है, एनिमल्स, एंटरटेनमेंट, डायनासोर, आर्ट, वर्चुअल टूर, एजुकेशन, बहुत सारी भाई कैटेगरी है यहां पर दी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर हम कार पर क्लिक करते हैं, कार एंड व्हीकल, तो यहां पर आपके सामने कई सारी कार्स जो है वो आ जाएगी। हाँ, कुछ कार ऐसी है जिसे अनलॉक करने के लिए आपको एड वगैरह देखना होगा, तो एड देखकर आप उसे भी अनलॉक कर सकते हैं। बट अगर आप किसी कार को अपने घर के आंगन में खड़ा रखना चाहते हैं, सिंपल है, बस आपको उस कार पर क्लिक करना है। जैसे आप उस कार पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने घर का जो नीचे का फ्लोर है ना कुछ इस तरह से आपको स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप जैसे आप अपने घर का फ्लोर जो है स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही यहां पर आपको डॉट डॉट जो है वो देखने को मिल जाएंगे लाइक कुछ इस तरह से, और इसके बाद वो जो कार है वो आपके घर के आंगन में या फिर जहां पर भी आपने स्कैन किया होगा अपने डिवाइस को वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से। तो बड़ा ही आसान है, यहां पर आप किसी भी मतलब कार को अपने घर के आंगन में खड़ा रख सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि आप इसकी फोटो कैप्चर करना चाहते हैं या फिर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको एक कैमरा का आइकॉन मिल जाएगा, यहां से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं, इसका वीडियो बना सकते हैं, GIF GIF फाइल बना सकते हैं। तो यार ये मुझे काफी कमाल का लगा, मतलब अब हमारे घर के आंगन में हम एक कार खड़ी रखकर हम इसकी एक फोटो कैप्चर करके सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। और भी कई सारे यहां पर आपको 3D मॉडल मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक 3D मॉडल देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि भाई सारे मॉडल आपको बिल्कुल रियल लगेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई सारे मॉडल हमारे सामने खड़े हैं। काफी अच्छी यहाँ पर शैडो इफेक्ट है, काफी अच्छी यहाँ पर लाइट इफेक्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे कहीं आउटडोर ट्राई करेंगे तो लोगों को ऐसा ही लगेगा यार रियली में ये जो भी मॉडल है, जो भी कार है वो आपकी है। भाई काफी कमाल की, काफी जबरदस्त ऐप है। अब बात करते हैं कि इस ऐप में वो कौन सी दिक्कत है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बता रहा था। तो देखिए दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो ऐप है ना ये सिर्फ और सिर्फ गूगल AR कोर को ही सपोर्ट करती है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में गूगल AR कोर का सपोर्ट नहीं है तो सिंपल है यार ये ऐप आपके स्मार्टफोन में काम नहीं करेगी। बट फिर भी आप इस ऐप को एक बार ट्राई करके देख लो, अगर चल गई तो चल गई, नहीं चलेगी तो सिंपल है वो फ्लोर ही स्कैन नहीं करेगी, ना ही आपके सामने कोई AR मॉडल दिखाई देगा। यहां पर एक और तरीका है जिसे हम जुगाड़ कह सकते हैं, अगर चल गया तो अच्छी बात है। यहां पर एक और ऐप है जिसका नाम है AR कोर, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में मतलब वो ऐप इंस्टॉल कर लें, इसके बाद में आप इस ऐप को ट्राई करें, अगर चल गई तो अच्छी बात है, नहीं चली तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यार कि आप कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं, मतलब आप कौन सा यूज करते हैं, वीवो का, ओप्पो का, शाओमी का, मतलब कौन सा भाई, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और खास करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको डेली नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।